वेजिटेबल्स लाई थी, कॉलीफ्लावर। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, दिस इज योर होस्ट सान्या एंड यू वॉचिंग कथा व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का दिन कुछ इस तरह है कि सुबह के 11:22 हो चुके हैं एंड टुडे इज मंडे। सो बाहर का जो वेदर है मैं बताती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पर स्टिल मैं बताती हूँ कितनी ज़्यादा, इतनी तो इतनी दिखेगी नहीं यहाँ से, पर स्टिल मैं कोशिश करती हूँ आपको बता दी। मैंने कुछ कपड़े धोए हैं वो यहाँ पे मैंने सूखने के लिए रखे हैं, बिकॉज कल मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैंने कपड़े नहीं धोए थे। एक सेकेंड, ये मैं स्टैंड भी ना ठीक कर दूँ, इसको एक साइड पे लगा लेते हैं, जगह बालकनी में कम है तो जस्ट देखो धूप। ये देखो यहाँ से मेरे यहाँ का मेट्रो स्टेशन दिख रहा है बीच से, वो देखो बीच से, पर धूप देखो, धूप देखो। पर ये शुक्र है कि यहाँ पे ना एटलीस्ट अंदर की तरफ है ना तो इतनी धूप वो नहीं आती। अभी पेंट का काम चल रहा है, कोई भी नहीं है, देखो कोई भी नहीं है बिल्डिंग में अभी बाहर निकला हुआ, और धूप इतनी ज़्यादा है कहने की बात नहीं। नीचे पेंट का काम चल रहा है और गाड़ियों का रश देखो यार। थोड़ा जूम आउट करके दिखाती हूँ, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, सिग्नल मेरे घर से दिखता है, ये देखो क्लोजअप में क्लियरली। अब जिन्होंने ऑफिस जाना है जब कुछ जाना है, ये देखो पुलिस वाले। चलो अंदर चलते यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। और सच्ची में बाहर तो पैदल मतलब इस जाना अपने में ही आफत है यार, नहीं जाया जाता इस टाइम। और मैं कई बार सोचती हूँ वीडियोस बनाने के लिए चलूँ बाहर आपको दिखाऊं, पर दिन के टाइम में सीरियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ टू हॉट, टू हॉट कि यार मेरी जो स्किन है ना इट इज़ वेरी सेंसिटिव और मुझे सनबर्न हो जाता है। ये देखो मेरे को अभी तक सनबर्न हुआ, 3 ईयर्स हो गए और ये ठीक नहीं हो रहा है। सो आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क। तो मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करती हूँ कि मुझे डेली व्लॉग डालना होता है, तो ऑब्वियसली यार व्लॉग का मतलब इज नॉट कि लाइक यू नो यू हैव टू विजिट एवरी डे एवरी टाइम आउटसाइड। व्लॉग इज वट एवर यू डूइंग, यू वट इज हैपनिंग इन योर लाइफ ऑन डेली बेसिस, यू आर शोइंग टू द पीपल, आई एम शोइंग टू यू माई लाइफ इन अ वेरी शॉर्ट वे, तो दैट इज अ व्लॉग। तो फ्रेंड्स मशीन लगा चुकी हूँ, मैंने कल मशीन नहीं लगाई थी तो ये सेकंड टाइम मशीन चल रही है। और फिर यहाँ पे मैंने चने रात को पानी में भिगो के रख दिए थे, पर सुबह मैंने ना छोलिया बना लिया, छोलिया आलू की सब्जी बनाई है, तो ये मैंने बॉईल नहीं की, अभी ऐसे पड़े हैं, शाम को देखेंगे। उसके बाद फिर ये न्यूट्री भी मैंने सुबह भिगो दी थी तो इट इज़ टू बी, ये भी फूल गई है। थोड़ी देर के बाद हजार रात को देखते हैं, जहाँ स्नैक्स में देखेंगे, क्योंकि दोपहर के लिए तो बस यही काफ़ी है, राइस या रोटी देख लेंगे अभी। फ्रेंड्स अभी ये भी कपड़े पड़े हैं सारे, तो ये भी हैं, टॉल शॉल्स भी धोने हैं। काम कर करके ना रोज़ का बंदा ना बोर हो जाता है सीरियसली, मतलब वही काम करो वही वो करो। मैं कई बार सोचती हूँ कि मतलब चैन नहीं है हम लोगों को, ठीक है ना, जेंट्स लोग तो तभी भी ऑफिस जाके थोड़ा सा रिलैक्स होके दो बंदों से बातें कर लेते हैं, काम तो होता ही है, काम तो देखो हम भी घर में हम भी काम कर ही रहे हैं, ठीक है ना। प्रेशर हाँ ज़रूर ये होता है कि वहाँ ज़्यादा होता है, घर पे हम लोगों को थोड़ा कम होता है कि हम थोड़ा आराम से अपने टाइम के अकॉर्डिंगली करते हैं, मन नहीं किया तो थोड़ा बाद में कर लिया, पर करना तो होता ही है ना। पर ये तो नहीं है ना कि हाँ लेडीज़ काम नहीं करती हैं जब जेंट्स ज़्यादा काम करते हैं, अगर ये साइकोलॉजी है ना आपकी तो प्लीज़ डोंट वॉच माई व्लॉग। ये देखो मेरे डाइनिंग टेबल पे क्या खलारा पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं अपना काम करने बैठी हुई थी तो बस ऐसे ही सारा खलारा पड़ा हुआ है, ये भी सब ठीक करना है, कपड़े तय करने हैं, सारा फैला हुआ है बस। बाहर कपड़े धोए हैं, अभी झाड़ू झाड़ू की है, ये बेड भी मेरा देखो सारा ख़राब हो गया, अभी ये वाले कपड़े भी मेरे को अलमारी में रखने हैं, ये बेड फिर ख़राब हो गया, मुझे फिर ठीक करना पड़ना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में यार, साथ साथ में करते, साथ साथ में आपसे बात कर। मैं अभी वेजिटेबल्स लाई थी, कॉलीफ्लावर 1 kg, यहाँ पर देखो 4 रियाल का मिला मुझे। मूली इंडिया में तो मिलती नहीं, और यहाँ पर मूली है कितने की है, 4.5 रियाल की, मतलब ऐसे तो 7 रियाल की, मतलब 140-150 के करीब ये एक पीस है, पर ये हमें मिला है 5 लगा लो तो कितना हुआ, 100 रुपये की नहीं। और ये भिंडी कल मिली ऐसे तो 8 रियाल की है, ठीक है, और पर कल मिली मेरे को 5.72, क्योंकि ये 700 ग्राम के करीब है, तो ये आप सोच लो 8 रियाल है, 8 × कर लो 160 की सिर्फ इतनी। फिर मैं ये बैंगन लाई थी, ये बैंगन भी देखो 1 किलो से कम है तो 7 रियाल का था, तो
140 के करीब हो गया ये। और ये टोमेटो लाई थी मैंने अभी यूज़ करने थे, तो ये 5 रियाल पर केजी थे, तो मैं 2 किलो के करीब लाई थी, तो ये मुझे 10 रियाल के पड़े, ठीक है। और ये छोटू सा पर्पल कैबेज लाई थी, इनको कितना छोटा सा पर्पल कैबेज, तो ये लाई थी कितने का ये भी बताओ, पैसों से ये कितने का मिला, 3.5 रियाल का, 4 रियाल के करीब है इसके बाद, पर ये छोटू सा है बिल्कुल 40 ग्राम का, तो ये मुझे कितने का मिला, थोड़े से का मिला, 1 रियाल से कम का, 50 धरम का। फिर ये मैंने सॉरी लौकी लाई थी एक, तो ये भी 4 रियाल के करीब है, 4 रियाल के करीब है, तो ये मेरे को मिली है 550 ग्राम है, तो ये मेरे को 2 पीस की मिली है, ठीक है, मतलब 50 के करीब लगा लो, इतना सा पीस। ये हाल है यहाँ पे सब्जियों का, पर पहले से तो पहले काफ़ी कम हुआ है, नहीं तो पहले तो इससे भी ज़्यादा होता था। ये हो गया, उसके बाद तो मैं क्यों कम हो गया, ये भी 5 रियाल के, 1 किलो थोड़ा सा कम होगा, बस कल ये सामान लाई थी, अभी बस मैं यही सामान लेके आई हूँ, तो मैंने बोला निकालने से पहले आप लोगों को बता दूँ कितना किसका क्या प्राइस हो। 4:30 हो चुके हैं और आज कहीं जाना है मेरी, आज एक काफ़ी अच्छी फ्रेंड है यहाँ पे दोहा में, उसकी एनिवर्सरी है, तो चलो चलते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या अच्छा अवेलेबल है गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए। और फ्रेंड्स अभी ऊबर बुलाइए, जैसे मैंने आपको बोला अभी तक आई नहीं है, तब तक मैंने चलो आपसे बातें कर लूँ, बहुत गर्मी हो गई है यार, वो तो नहीं है ड्राइवर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है यार, तो देखते हैं अभी, इतना तो अपार्टमेंट में धूप अभी नहीं है, पर सेक बहुत है, पर बाहर जाके पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है कितना, तो लेट्स गो। अब शॉपिंग करने से पहले मिला बॉम्बे चौपाटी के मोमोज तो बनते हैं, और एक कड़क तो बनती है साथ में, ये अक्षिता ने अपने लिए मंगवाया है। और अब ये यहाँ पे मैं 2 मिनट आई थी अलमीरा में, मुझे कारपेट देखना था, पर कारपेट मेरे जैसी प्राइस बहुत ज़्यादा था, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये कारपेट था, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, तो मुझे लगा ऑफ़र में मिल रहा है मैं ले लेती हूँ, ये 6-6.5 फीट का था, तो काफ़ी लंबा था, तो मैंने बोला काफ़ी बड़ा है, मेरा ड्राइंग रूम कवर हो जाएगा जब तक बेड नहीं मैं लेके आ रही, पर इट वॉज़ टू कॉस्टली, मैंने छोड़ दिया, तो फिर मेरे हस्बैंड कहते रहने दो, फिर मैं दूसरी जगह गई हूँ, मैं दूसरी जगह जा रही हूँ रमीज़ में, और ये बर्गर बिल्डिंग है यहाँ पे बहुत फेमस है ये, और जैसे ही मैं जा रही थी मैंने बोला ये घर देख रही थी, यहाँ पे पॉट्स देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, प्लांट्स कितने अच्छे लग रहे हैं, और प्लांट्स तो अच्छे लग रहे हैं साथ में जिसमें डले हुए हैं ये देखो ये पॉट्स, ये कितने खूबसूरत है, कितनी अच्छी पेंटिंग हुई है, और सेम कलर के बड़े अच्छी बात, 10 रियाल की नहीं है, छोटे छोटे हैं, रहने दे, चल उधर ट्रॉली पहले उस तरफ देखते हैं ना जो हमने चीज़ लेनी है, चल हाँ? ये भगवान के लिए नहीं होती, टर्किश कॉफ़ी के लिए होती है बेवकूफ़े, टर्किश कॉफ़ी बना, हाँ बाउल्स भी सही हैं डेली में यूज़ करने के लिए, है ना अक्षी, 8 रियाल का, सही 8 रियाल, 8 सही है, चल चल आगे जल्दी चल यार लेट हो जाएंगे। हैं अक्षी समझ ही नहीं आ रहा है, वो कप सेट था वो पता नहीं किस तरफ है यार, कप सेट मैंने देखा था ऑनलाइन, चलो लेट्स सी दिस वे, तो जाते हैं ना ये सब बिग बिग काफी ज्यादा बड़ी है ये पूछना पड़ेगा अक्षु, ऐसे नहीं मैं चलेगा यहाँ, ऐसे नहीं मैं चलेगा यहाँ, कप सेट्स पूछने पड़ेंगे कहाँ है, ये देख ये भी अच्छा
इस साइड नहीं है कप ना, सारे क्ले वाले हैं यहाँ पे, सारी फ्लास्क है। एक्चुअली ये कपड़ों की सेक्शन आ गई, शूज शाज आ गए ना ये। बच्चों के कपड़े भी हैं, पर अक्षय हम ऐसे पहनती नहीं है ना, तो फिर क्या फायदा लेने का। और ध्यान से उधर, वहाँ से मुझे कुछ इतना खास अच्छा नहीं लगा, पर थोड़ा सा जो मुझे अच्छा लगा ये मैं अपने लिए बाउल्स ले आई थी, ये मीडियम है, ये थोड़े बड़े में है, और मैंने बोला रात को खाना इसी में सर्व करते हैं, और सही प्राइस के मिल गए तो मुझे तो और कुछ अच्छा लगा नहीं। बाकी पूरे बाउल्स का सेट मिल गया था, ये भी कोई ज़्यादा नहीं है पर ठीक है, और ये इसका ऐसा डिज़ाइन है तो वाइट में थे, तो मैंने बोला हर किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और ये छोटे बाउल्स हैं, मतलब इसका ये डिज़ाइन है, ये शायद 10-12 है और वो 6 है, तो ठीक है ना, इट्स ओके।